सराई भाजपा मंडल अध्यक्ष व कबाड़ी ने युवती का किया अपहरण, फिर बालाघाट में 21 दिन तक करते रहे गैंगरेप। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के सराई की, जहां एक बेहद ही दर्दनाक घटना हुई है, जहां वारदात को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, मैं हूं शुभम पाठक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर टॉक विद शुभम पाठक पर। आज हमारे साथ मेरा लैपटॉप है और इस लैपटॉप में सिंगरौली पत्रिका की एक पेपर कटिंग है, जिसे मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा। दरअसल वीडियो के हेडलाइन हमने आपसे शुरू में ही शेयर कर दी है। दोस्तों, भाजपा, भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लिए डबल इंजन की गवर्नमेंट है, प्रदेश में भी और देश में भी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं वो बलात्कारी निकलते हैं। कहां जा रही है भाजपा, कहां जा रहा है प्रदेश और कहां जा रहा है विकास, ये सारी बातें बेहद विचारणीय हैं। और क्या भाजपा अब उस बंदे पर कार्यवाही करेगी, ये देखने लायक बात होगी। फिलहाल अभी तक वह बंदा कोमल गुप्ता, जिसका नाम बताया जा रहा है, पुलिस की गिरफ्त से अभी तक बाहर है। 21 दिन तक लगातार उसके एक साथी ने और उसने, दोनों ने मिलकर बच्ची के साथ घृणित कृत्य को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में ले जाकर ऐसा उन्होंने किया। दोस्तों, हम आपको स्टोरी शुरू से बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि बच्ची का विवाह 30 जनवरी को होना सुनिश्चित हुआ था, लेकिन बच्ची के विवाह से सिर्फ 3 दिन पहले यानी कि 27 तारीख को बच्ची घर से शौच के लिए बाहर निकलती है और शाम के वक्त इन दोनों दरिंदों द्वारा बच्ची को अगवा कर लिया जाता है, उसे बेहोश कर दिया जाता है और किसी चार पहिए वाहन से बच्ची को बालाघाट ले जाया जाता है। दरअसल बच्ची बताती है कि जब बच्ची को होश आया, मेरे पास इसकी पूरी खबर पड़ी हुई है, ये खबर मैं रीड किया हूँ, इसलिए आप लोगों को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बच्ची को जब होश आया, बच्ची पहुँच चुकी थी तब तक में जबलपुर, बच्ची को बालाघाट ले जाया गया और उसे उसके साथ 21 दिन तक घृणित कार्य को अंजाम दिया गया। दबाव में पुलिस, ये हेडलाइन है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सिंगरौली पत्रिका की हेडलाइन है। दबाव में पुलिस थी और प्रियंका पांडे, जो कि प्रभारी SDOP हैं देवसर की, उनका बयान आया है कि युवती का अपहरण व दुष्कर्म करने वाले दो अपराधियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दोस्तों, मैं आपको स्टोरी बता रहा था, जब बच्ची को वो दरिंदे जबलपुर से होते हुए बालाघाट ले गए, बच्ची जबलपुर में जानी, उसे होश आया कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। इधर घर वालों में अफरा तफरी मच गई, जब से बच्ची गायब हुई उन्होंने जाकर पुलिस थाना में शिकायत की, लेकिन पीड़ित युवती के परिवारजनों का आरोप है कि सराई पुलिस मामले में लीपापोती करते हुए भाजपा नेता से बचाने का प्रयास कर रही थी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पुलिस भाजपा नेता को बचाने का प्रयास कर रही थी, वरिष्ठ नेताओं की ओर से भी दबाव बनाया जा रहा था, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की ओर से भी पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा था। परिजनों का कहना है कि भाजपा नेता इस मामले में बराबर का दोषी है। शनिवार को पूरे दिन परिवारजन दोनों पर मामला दर्ज कराने को लेकर अड़े रहे। शनिवार यानी कि कल, आज रविवार है, 19 तारीख को परिवारजन मामले को दर्ज कराने पर अड़े रहे कि भाजपा का जो मंडल अध्यक्ष है वह भी दोषी है, इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करो। उसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। दोस्तों, हुआ यूं कि जब बच्ची को बालाघाट ले गए, परिवारजनों ने इधर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी चाही, उस दरमियान पुलिस ने उनका गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज नहीं किया, वो कहीं ना कहीं दबाव में आ गई। और जब पुलिस ही बच्ची को 18 तारीख यानी कि परसों शुक्रवार के दिन बालाघाट से रिकवर करती है और सराई लाती है, उस स्थिति में दोनों फरारी काट लिए थे, दोनों जो दोषी थे वो बाहर हो गए थे, कहीं बाहर भाग गए थे, लेकिन उनमें से एक जो भाजपा मंडल अध्यक्ष का मित्र था, धर्मेंद्र गुप्ता, जिसका नाम बताया जा रहा है, धर्मेंद्र गुप्ता फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, लेकिन कोमल गुप्ता, जो कि भारतीय जनता पार्टी सराई का भाजपा मंडल अध्यक्ष था, अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बच्ची के साथ दुष्कृत्य हुआ, उसके साथ न्याय कब होगा ये तो कहा नहीं जा सकता। पुलिस क्या कार्यवाही करेगी इन दोनों दरिंदों के खिलाफ, ये जांच का विषय है और विचारणीय बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो लगातार दावा करती है खुशहाल और समृद्ध मध्य प्रदेश का, क्या वास्तव में यही खुशहाल और समृद्ध मध्य प्रदेश है, जहां भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बलात्कारी हो,
कहां पहुंच गई है भाजपा, सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।